सिरमौर के ट्रांसकेरी क्षेत्र में लहसुन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में सबसे ज्यादा लहसुन की पैदावार होती है, इसके बाद दूसरे नंबर पर कुल्लू जिला में होती है। पिछले वर्ष कम बारिश होने की वजह से पैदावार भी कम हुई और दूसरी ओर लॉकडाउन की वजह से लहसुन को समय पर मंडियों तक नहीं पहुंचाया गया। स्थानीय महिला किसान विनीता देवी ने बताया कि पिछले वर्ष लहसुन के पत्तों में पीलापन और जड़ में कीड़े लगने से फसल खराब हो गई थी, लेकिन इस बार फसल खराब नहीं हुई है। आने वाले समय में उम्मीदें हैं कि किसानों की फसल में और बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष लहसुन के दाम अच्छे मिलते हैं, इसी वजह से गांव में सभी ग्रामीणों ने लहसुन की फसल लगाई है, लेकिन पिछले 3 बरस से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार फसल में कीड़ा ना मात्र लगा और समय पर किसानों ने स्प्रे करके फसलों की पैदावार को बढ़ाया है। साथ ही में उनका कहना था कि यदि उन्हें इस बार अच्छे दाम मिलेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति संवर जाएगी। देखिए, लहसुन की पैदावार जो है वो लगभग ठीक ही है, ना हम इसको जो है कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी है, ना हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बुरी है। कि जैसे आप जानते ही हैं, सभी लोग हमारे यहाँ ज्यादातर नेचुरल फार्मिंग होती है, ज्यादातर फसल जो है वो बारिश के पानी पर जो है निर्भर रहती है, और इस बार बारिश कुछ खास जो है नहीं हो पाई है, इस वजह से फसल भी उसी हिसाब से है। लेकिन कहना चाहेंगे कि बहुत ही ज्यादा खराब भी नहीं है, मीडियम ही है फसल। अब आगे निर्भर करता है कि क्या कहते हैं, मार्केट कैसी मिलती है, लेकिन फसल अभी के बारे में अगर बताया जाए तो फसल लगभग ठीक ही है। वहीं एक किसान ने बताया कि लहसुन की फसल को देखकर लग रहा है कि इस बार पैदावार में काफी बढ़ोतरी होगी। समय समय पर बारिश किसानों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि इस बार समय रहते मंडियों में फसल पहुंचाई गई और दाम अच्छे मिले तो किसानों की आय दुगनी हो सकती है। कृषि वैज्ञानिक की माने तो समुन्द्र तल से 4,000 फुट ऊंचे वाले क्षेत्रों में लहसुन की पैदावार अधिक होती है। सिरमौर के अगर गिरिपार इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर लहसुन की पैदावार 3 से 4 गुना बढ़ती है। इस बार कृषि वैज्ञानिक की टीम कई किसानों के साथ संपर्क बनाए थे, जिसके चलते फसल अच्छी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि मैदानी इलाकों में कोई किसान लहसुन की खेती करना चाहता है तो पतली गुटी वाले लहसुन की पैदावार करनी चाहिए। जिसको बोलते हैं बड़ी गुंदी वाली फसल, जिसकी क्लोव्स जो हैं थोड़े बड़े साइज की होते हैं, और उसमें किसानों को उसका मार्केट रेट अच्छा मिलता है, मार्केट में उसके दाम अच्छे मिलते हैं। लेकिन उस किस्म को अगर हम निचले मैदानी क्षेत्रों में लगाने की कोशिश करें तो वो यहाँ पे कामयाब नहीं होती वो किस्म, क्योंकि उस किस्म की खासियत ये है कि समुद्र तल से 4,000 फुट की निचले क्षेत्रों में, 4,000 फुट से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो किस्म अच्छा पैदावार आपको देगी, लेकिन निचले मैदानी क्षेत्रों में वो किस्म अच्छा काम नहीं करती, उसकी पैदावार में कमी आ जाती है। उसमें जो आप लहसुन की जो बल्लब होता है, गांठ बोलते हैं जिसको, वो गठिया उसमें नहीं बैठती, तो उसमें किसानों को नुकसान होता है। तो किसानों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि किस्म का चुनाव सही तरीके से करें, और निचले मैदानी क्षेत्रों में भी अगर किसान भाई लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो उपयुक्त किस्म का चुनाव करें, वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा करें, कृषि विभाग के अधिकारियों से बातचीत करें और सही किस्म का चुनाव करके ही निचले मैदानी क्षेत्रों में लहसुन की किस्म का चुनाव करके वही बीज का इस्तेमाल वो लहसुन की खेती के लिए करें तो उनको ज्यादा फायदा रहेगा। तो निचले मैदानी क्षेत्रों के लिए जो लार्ज क्लोज लार्ज सेगमेंटेड जो किस्म आती है उसका नाम है GSC1, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से अनुमोदित किस्म है, और इसकी पैदावार भी अच्छी है, और इसका जो पहाड़ी मध्यम क्षेत्रों में या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो लहसुन लगता है बिल्कुल एक जैसा, इसमें आपको लार्ज क्लोव्स हैं, लार्ज सेगमेंटेड है और अच्छी पैदावार मिलेगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पांवटो साहिब से दीवान शर्मा की रिपोर्ट। नहीं आएगी? आएगी, इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी, लगी शर्त 1 महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स।
आ गई। गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी, बुक योर सर्विस नाउ।